अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 14 सितंबर की कॉल लेकर। समय पहले आज के सेशन पे बात कर लेते हैं। आज का सेशन एक बार फिर, बावजूद इसके कि मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि बुल्स एफर्ट करेंगे और इनफैक्ट उन्होंने थोड़ी बहुत की भी है, क्योंकि मार्केट का आगाज़ 41,914 के पास हुआ और फिर जो कि गैप ओपनिंग थी और फिर 42,092 तक गई। तकरीबन कितने पॉइंट बनते हैं, 150 पॉइंट यहाँ से बनते हैं, तो टोटल मेरे ख्याल में 250 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। मगर वो मोमेंटम जो देखने में नहीं आ रहा पिछले कई सेशंस में, और आज भी वही आज भी हुआ और फिर बुल्स की एफर्ट ढह गई और वो फिर वो नीचे आ गया और फिर उसने 41,886 के पास आज का लो बनाया है और यहाँ पर थोड़ी देर वो कोशिश करता रहा है। 12 बजे के बाद से लेकर 2 बजे तक इस लेवल को उसने ऑनर किया और फिर उसके बाद हमने दोबारा उसको देखा कि वो तकरीबन 42 को टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ नज़र आया और बिल्कुल फिर एंड में जाके, लास्ट मिनट में जाके उसने कुछ स्पीड दिखाई और फिर वो 42,000 पे क्लोज़ हो गया 139 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम निस्बतन कल के मुकाबले में और कम हो गया, मतलब बतदरीज गिर रहा है। बीच में एक दिन वॉल्यूम कुछ बेहतर आया था, उसके बाद फिर गिरना शुरू हो गया। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, कोई बड़ी चेंजेस न लेवल्स में है ना मेरे व्यू में है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ आप ही लोग नहीं बल्कि बुल्स और बियर्स भी जो हैं इस मौजूदा सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। बावजूद इसके कि बुल्स में ये ख्वाहिश पाई जाती है कि वो कुछ एफर्ट करे और वो नज़र भी आ रहा है, क्योंकि बॉटम को सिक्योर करके बैठा है। अगर हम चार्ट पे देखें तो ये जो 700 वाला लेवल है, जो 41,700 वाला जो लेवल है, उससे ये तकरीबन आज छठा सेशन था, ये छठा सेशन था जो इसको ऑनर करता हुआ चल रहा है। तो डेस्परेशन तो नज़र आ रही है बुल्स की, कोशिश अपनी वो पूरी कर रहे हैं, मगर अफसोस मोमेंटम बन नहीं पा रहा। और जब तक वही ट्रिगर 42,221 के ऊपर जाके बुल्स नहीं रुकते, जब तक उनकी हालत ऐसी ही रहेगी। ऊपर जाएंगे भी, जैसे देखें आप, रोज़ाना छोटा मोटा हाई बनता है, 42,048 का हाई बन गया। अगर आपके सामने पिछले सेशन का मवाजना करें आप, तो जुमे को हाई बना 42,099 का, फिर उसके बाद कल हाई बना 42,137 का, आज बना 42,093 का। और अगर जुमे से पहले देखें आप, तो हम तकरीबन 42 को करीब से टेस्ट कर रहे थे। पिछले हफ्ते में भी हम 42 को टेस्ट कर चुके हैं मेरे ख्याल में, बुध के दिन। तो एफर्ट्स हैं बार बार ऊपर जाने की, अटेम्प्ट्स हुई हैं, मगर मोमेंटम के ना होने की वजह से वो रुक नहीं पा रहा और वो 42,221 के ऊपर ही जनरेट होगा। और इसी तरह आप नीचे की जानेब 41,710-675 का एरिया अभी भी जो है ट्रिगर है बियर्स के लिए, और हम देख रहे हैं कि बियर्स इसकी तरफ भी नहीं जा पा रहे, तो विच इज़ अगेन जो बुल्स के हक में बात जाती है। अब जनाब आने वाले सेशन में 42,916 अहम रोल प्ले करेगा, मतलब ये कि अगर मार्केट 916 के ऊपर ऊपर ही रहती है तो ये जो छोटी मोटी मूव बनती है 150-200 पॉइंट की, वो हमें नज़र आ सकती है। और अगर 42,916 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर वॉल्यूम भी कम होंगे और गिरावट भी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो सकती, मगर मार्केट डिप्रेस रहेगी। अब 42,916 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो उस सूरत में भी हमारे टारगेट कोई बहुत लंबे लंबे नहीं होंगे। 42,064-54 वाला लेवल है, या इवन जो बीच में वाइट कलर में जो है 42,170-43, यहाँ तक भी मार्केट कोशिश कर सकती है। और इन एरिया में अगर बुल्स मोमेंटम नज़र आ गया तो फिर हम उम्मीद करेंगे, हाँ यार 42,221 टूटने जा रहा है, उसके ऊपर मार्केट रुकने जा रही है, और उसके लिए शायद हमें किसी बुलिश ट्रिगर की ज़रूरत है, कोई ख़बर की ज़रूरत है, कोई अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अच्छा,
अब अगर 42,916 के नीचे ट्रेड करती है तो मुझे सेंटिमेंट वीक और लैकलस्टर नज़र आते हैं। उस सूरत में हमारे लिए जो एग्जिट लेवल है वो वही है 41,710.675। तो अगर 800 का लो बनता है, 750 का लो बनता है, तो वहाँ इवन शॉर्ट टर्म एंट्री भी टारगेट की जा सकती है क्योंकि ये एरिया सपोर्ट कर रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि 800 भी टूटेगा, क्योंकि 800 के नीचे भी ट्रेड होती हुई मुझे मार्केट नहीं लग रही, क्योंकि अगर 700 की तरफ जाएगी तो बहुत हद तक मुमकिन है कि ये 700 को तोड़ दे, क्योंकि बड़ी काफ़ी दिन से छठा सेशन था जो उसके ऊपर रहा है। तो अगर अब 700 की तरफ जाएगी तो तोड़ सकती है, और खुदा ना खौफ़ता इस दौरान अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हुई तो यकीनी तौर पर तोड़ देगी। अच्छा जी, तो 710-675 के नीचे बुल्स में एग्रीवेट करेंगे बुल को, उनमें एग्रेशन शिद्दत नज़र आएगी। और जिस तरह मैंने बता दिया कि बुल्स का मोमेंटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 42,221 के ऊपर है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जिसमें हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो कल की कॉल पे आपने कमेंट किए हैं, ये उन कमेंट्स को मैं वो बना रहा हूँ, डिस्कशन में लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा अपना कमेंट है, हमसे एक टाइपिंग गलती हो गई थी कल की कॉल में, वो हमने उसको दुरुस्त किया है। शाहनवाज सैयद साहब, ये बड़े हमारे पुराने व्यूवर हैं, शाहनवाज साहब आप यकीनन खैरियत से होंगे। अच्छा, इन्होंने दूसरी वीडियो का कमेंट यहाँ किया है एवरेजिंग स्टॉक वाले का, कि वो काफ़ी मददगार थी। आप लोगों के लिए भी ये खबर है कि एक हमने वीडियो बनाई है जो एवरेज स्टॉक पे बात कर रही है कि एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, तो वो ज़रूर वीडियो देखें, आपके लिए हेल्पफुल है। शाहनवाज साहब ने बड़ा लंबा कमेंट किया है, देयर इज यू ऑलवेज जस्ट टू ट्रेन अस थिंक वी ग्रो अप। अच्छा, इट इज़ ट्रू वी मोस्टली पुट अवर ट्रेड र्यूमर आई बॉर्डर र्यूमर बच्चे। अच्छा, उन्होंने अपने इनका कमेंट ज़रूर पढ़िएगा, इन्होंने अपना जो कमेंट है उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है एवरेज के ताल्लुक से, तो इसमें जवाब देने की कोई चीज़ नहीं है। आसिफुद्दीन साहब ने कहा है कि एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, उन्होंने कल वाले कमेंट को फिर दोबारा रिपीट किया है। फिर आमिर साहब कहते हैं कि बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी एफर्ट्स हैं आपकी हमें एजुकेट करने के लिए, और अप्रिशिएट किया, और ATRL ने अच्छा रिजल्ट दिखाया बस बट नहीं परफॉर्म कर रहा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी ATRL का रिज़ल्ट तो याद नहीं है, तो इस पर मैं क्या कहूँ। यकीनन कुछ जिस तरह भी आसिफुद्दीन साहब कह रहे थे कि पे आउट कम दे रही हैं कंपनियाँ, तो यकीनन ये इशू रहा होगा। अब चूँकि वीडियो चलती हुई वीडियो में ATRL का रिज़ल्ट देखना थोड़ा मुश्किल काम है, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे ATRL का रिज़ल्ट मिल जाए तो मैं साथ साथ उसको भी देख लूँगा ताकि आप लोगों की से बात हो जाए। ATRL जनाब अली, तो अब हम बात कर लेते हैं ATRL के रिज़ल्ट पे। ATRL ने जो इस वक्त आखिरी जो इसकी वो आई है वो ईयर एंड की 121 रुपए की अर्निंग आई है। माय गॉड, ये तो बहुत शानदार अर्निंग है। मसला ये कि उसने 100% डिविडेंड दिया है और 14 सितंबर की क्लोजिंग है, तो आज इसका मतलब है क्लोज हुआ है। अब जो मैं कमेंट पढ़ रहा था उनका क्या नाम था उनका, आमिर साहब का, कि ATRL, अच्छा उन्होंने लिखा है कि अच्छा रिजल्ट दिया है और नॉट परफॉर्मिंग आफ्टर XD। तो मेरे भाई थोड़ा सा सब्र कीजिए, सांस तो लेने दीजिए। अभी उसने 100 रुपये का डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड 100 रुपये का। अगर आप उसकी ओपनिंग देखें कल की, जो कल ये खुला है, तो कल ये 150 पे खुला है और क्लोजिंग क्या थी 157.80 की,
तो भाई ये तो बड़ी शानदार इनफैक्ट इसका परफॉर्मेंस है, आप इसको ख़राब परफॉर्मेंस कह रहे हैं। जितना उसने डिविडेंड दिया है उसके बाद तो उसको बहुत नीचे खुलना चाहिए था, मगर वो नहीं खुला, और इसीलिए नहीं खुला कि कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, और आज भी सिर्फ 38 पैसे नीचे गिरा है। तो मेरे ख्याल में तो आपको खुश होना चाहिए। और एक और मैं बात बताऊं आपको कि बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ख्यालात होते हैं, मेरा ये मानना है 90% मेरी कोशिश होती है, 90-95% कि मैं डिविडेंड या बोनस लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मैं मशवरा ये देता हूं कि आप उसको बिल्कुल आखिर में जब वो अपने स्पेकुलेशन की हाईएस्ट पॉइंट पे हो वहाँ आदमी बाहर निकल जाए। उसकी वजह ये होती है कि एक्स पे वो खुलता तो नीचे है ही, अगर आपको वो स्टॉक दोबारा चाहिए तो आप उसी दिन दोबारा ख़रीद सकते हैं, उससे जितने दिन वो एक्स होने के बाद आपके अकाउंट में जब तक वो ट्रांसफ़र होते हैं तो जो 15-20 दिन आपका अकाउंट की जो नेट एसेट वैल्यू है, नेट इक्विटी, वो जो नीचे आती है वो नीचे नहीं आती, और आप जितने शेयर आपने बेचे उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि 148 के पास ये सपोर्ट ले रहा है, हाँ बिल्कुल ले रहा है, अच्छी बात है, और आज भी इसने कोशिश की है सारा दिन वहीं ट्रेड करने की। तो मेरे ख्याल में आपने कमेंट में मुझसे कुछ नहीं पूछा, मुझे बताने की कोशिश की है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें और क्या समझाऊँ। आपने एक ही सवाल बनता है इसमें कि ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा एक्स डिविडेंड के बाद, तो मेरे भाई थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत होती है। एक्स डिविडेंड के अगले दिन परफॉर्म नहीं करता, जब भी एक्स डिविडेंड होता है तो 2-4 दिन तो वो ऐसे ही डेड होता है। आप अगर वॉल्यूम वाइज भी देखेंगे तो आपको वॉल्यूम भी बहुत कम नज़र आएंगे, तो ये तो नॉर्मल बात है। और इस वक्त इसकी प्लानिंग करनी होती है कि आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये तो नीचे भी नहीं जा रहा, वरना आमतौर पर एक्स डिविडेंड होके स्टॉक नीचे भागता है एक अपनी सपोर्ट की तरफ। तो मेरे ख्याल में तो इसको यहाँ से लेके 140 तक भी बाय किया जाए तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। उसके बाद फैसल साहब का कमेंट है, फैसल साहब कहते हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्लड बाथ लाइक 600-700 पॉइंट डिप एट मोस्ट। अब ये इन्होंने कल कमेंट किया, यानी कि ये आज की मार्केट पे शायद कहना चाह रहे हैं कि आज 600-700 पॉइंट का ब्लड बाथ होगा। पहले तो अल्फाज का इस्तेमाल ठीक कीजिए, 600-700 पॉइंट ब्लड बाथ नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं अभी समझा देता हूँ, इन चीज़ों को समझना चाहिए, ये रियलिटीज़ हैं, अगर आप इनको समझेंगे। क्योंकि इस वक्त मार्केट कहाँ चल रही है ज़रा देखें, 42,000 के पास ट्रेड कर रही है मार्केट। अगर 42,000 पे आप 600 पॉइंट को परसेंटेज वाइज देखें तो 1.42% बनती है। तो क्या अगर मार्केट 1.5% नीचे गिरे तो इसको ब्लड बाथ कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल इसको ब्लड बाथ कहेंगे। हाँ, अगर इस वक्त की मार्केट 3-4% गिर जाए और तो फिर हम इसको ब्लड बाथ शायद कह सकते हैं। और क्रैश का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, क्रैश का लफ्ज़ तो उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि क्रैश क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ 2-4-500 पॉइंट गिरे उसको क्रैश कह देते हैं, जहाँ 50-100 पॉइंट गिरे उसको ब्लड बाथ कह दें, ये ठीक नहीं है। बहरहाल आप 600-700 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, और अल्लाह का शुक्र है मार्केट गिरी भी नहीं 600-700 पॉइंट। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन अ सेंस अबाउट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड हाइप ऑफ डॉलर। ठीक है जी, बाकी उन्होंने अपना व्यू दिया है कि इंडिविजुअल टारगेट बने हुए। फिर अहमद राशिद साहब कहते हैं यू हैव रियली वाइड नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। HN मैट्रिमोनियल का कमेंट है, व्हाट अबाउट फार्मा सेक्टर स्पेशली सरले। अच्छा, सरले के बारे में पूछे, इत्तेफाक से सरले की कल हमने कॉल दी है, सरले की तो जो हमारी कल की स्क्रिप्ट कॉल थी मेरे ख्याल में उसमें सरले था, लेट मी चेक इट आउट। हाँ, तो सरले को कल जो हमने रात भेजी थी कॉल उसमें हमने कहा था कि इसको यहाँ से दोबारा जमा कर लें, जमा करना शुरू कर दें, और हमने कहा 101 तक जमा करें और फिर होल्ड करके बैठ जाएं। 101 के बाद ना बेचना है ना स्टॉप लॉस लेना है और ना ही पूरा ख़रीदना है, यानी कि जितना सरले आप लेना चाहते हैं उसकी एक मखसूस परसेंटेज, वो आपको पता होगा आपको कितनी लेनी चाहिए
जितना इंडेक्स में प्रेशर हो उसके हिसाब से लेके उसको रोक ले। तो मैंने तो कल जो कॉल दी है एक्यूमुलेट की कॉल दी है। अच्छा, उसके बाद मैरी डिसोजा ने एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया है। अनफॉर्चुनेटली आज की कॉल में, बल्कि मैं आज की कॉल में इसको ऐड कर देता हूँ, मैरी डिसोजा ने कहा है कि अपने कॉल में रोज़ाना डिटेल्स ऐड किया कीजिए, वो कॉरपोरेट रिजल्ट ऐड किया कीजिए। तो मैरी, मैं ज़रूर ये काम करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद इरम अहमद ने तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया इरम, आप हर रोज़ हमारी तारीफ़ करती हैं, हमारा हौसला बढ़ाती हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुख्तार अहमद, व्हाट अबाउट ट्रीट कॉरपोरेशन एट दिस रेट? मुख्तार साहब पूछते हैं कि ट्रीट कॉरपोरेशन जो है इस रेट पे कैसा है। जनाब, ट्रीट एक बहुत अच्छा स्टॉक है, नंबर एक बात, और इसका सेक्टर भी मेरे ख्याल में पिछले कुछ अर्सा पहले चेंज भी हुआ, ये पर्सनल फूड एंड केयर में आजकल आता है, और इस वक्त आप कह सकते हैं कि ये बॉटमिंग कर रहा है, और कंसीडरिंग द मार्केट सिचुएशन एंड द प्रेशर ऑफ द स्टॉक, आई विल रिकमेंड के एक्यूमुलेट करें तो थोड़ा थोड़ा करके करें, और इतनी अपने अंदर हिम्मत रखें कि 20 रुपए तक बाय करूँगा। तो 20 रुपए तक बाय करने में कितना तोड़ना पड़ेगा ये आपको सोचना चाहिए। अगर आपने उठा के सारा माल यहाँ ले लिया तो फिर अगर ये थोड़ा नीचे जाके 20-22-21 पे रुकता है तो आपको टाइम बढ़ जाएगा, टाइम इसमें तो मेरे ख्याल में रुकना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मुदस्सर संदीला साहब ने सवाल किया है BCL के बारे में। यार, BCL की कल तो नहीं, परसों रात को कॉल दी थी, यानी कि 12 सितंबर के लिए कॉल दी थी। अब मुझे कॉल खोलनी पड़ेगी, चलें खोल लेता हूँ BCL की कॉल। BCL के बारे में क्या कहा था मैं बता देता हूँ, क्योंकि असल में मैं एक बात आपको बता दूँ, आप लोग जो स्टॉक लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि मैं उसकी एनालिसिस कर लूँ, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं एक रॉ व्यू दे रहा हूँ अपना। एनालिसिस करने में टाइम लगता है, मैं इस तरीके से आप पूछें और मैं फ़ौरन उसको एनालिसिस करके बता दूँ ये मुमकिन नहीं है। ये मैं अपना जो, जैसे भी उन्होंने किसी स्टॉक का पूछा, सरले का पूछा, तो चूंकि सरले की कॉल कल गई थी मैंने वो पढ़ के सुना दी, तो इस तरीके से जिस पे मैं काम कर चुका हूँ मैं उस पे बात कर सकता हूँ। कोई ऐसा स्टॉक आप पूछते हैं जिस पे भी मैंने काम नहीं किया दो एक दिन में, तो उस पे फिर मेरा व्यू भी नहीं बन पाएगा, मैं एक ओवरऑल रॉ व्यू दूंगा। अच्छा, BCL जो है बोलान कास्टिंग लिमिटेड, मेरे ख्याल में उसमें मैंने बाय की कॉल दी है, और मैंने कहा है कि बाय करके वेट करें, अगर ये 46.35 तोड़ेगा तो फिर हम नीचे जाके और बाय करेंगे, ये बात उसमें कही गई है। तो मतलब ये था कि जहाँ पे BCL अभी है, ये परसों की कॉल है ना, तो समझ लें आप उस दिन के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ, तो उसमें ये कहा गया था जहाँ पे ये है वहाँ से लेके 46.35 के बीच में इसको बाय करना है, और अगर ये 46.35 तोड़े तो फिर अगली बाय करेंगे, मगर बहरहाल हमारी रिकमेंडेशन इसमें बाइंग की थी। अच्छा, उसके बाद अगला कमेंट है जनाब, PPL अप्रॉक्सीमेटली कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है? मंसूर खुसरो साहब, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं फंडामेंटली कमेंट नहीं करता, और आप अगर मुझसे रिजल्ट पूछते तो शायद मैं चेक करके बता देता, मगर प्रोजेक्शन के क्या होगा ये तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकता है, ये मेरा एरिया नहीं है। अहमद राशिद साहब ने फिर कोई सवाल किया, इन्होंने तो पहले भी कोई सवाल किया था, पहले इन्होंने, अच्छा जी, पहले इन्होंने तारीफ़ की थी, अब इन्होंने पूछा है ट्रिपल जीएल के बारे में। ओए ट्रिपल जीएल कल तो बड़ा नीचे आया था, और 10.31 रुपये का, असल में 30 या 31 पैसे का एक लेवल था जिसके बारे में कहा गया था TGL में कि ये बाकी रहना चाहिए। ये मैं आपको 3-4 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ कि अगर इस लेवल ने सपोर्ट कर दिया तो अच्छा है, तो आजकल वो भी 10.15 रुपये का है, और 10.47 के ऊपर,
तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है, और मैं तो इसमें एक्यूमुलेशन की कॉल अपने मेंबर्स को दे चुका हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा करके जमा करो, इंडेक्स के प्रेशर का फ़ायदा उठाओ, अगर इंडेक्स इसको नीचे गिराता है तो इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा जमा करो, मार्केट में इतना कम वॉल्यूम है, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करो। हम तो कतई तौर पर किसी को भी मशवरा नहीं दे रहे कि वो 10-10, 20-20 हज़ार कोई चीज़ बाय करें, जैसा जैसा जैसे हालात है वैसा काम होना चाहिए। उसके बाद अहमद राशिद, मैरी डिसोजा का फिर एक मैसेज है, डिस्पाइट 100% डिविडेंड PSO इज गोइंग डाउन रीज़न। अच्छा, PSO के बारे में अब मैरी का सवाल है कि बावजूद इसके कि उसने डिविडेंड दिया है वो नीचे क्यों जा रहा है। अभी मैरी, मैंने ये बात इससे पहले कि जिसे आपको जवाब में कह रहा था कि जब एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस होता है शेयर, तो उसको आम फहम जबान में खाली होना भी कहते हैं, जो कराची में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि यार ये तो दे दिला के खाली हो गया। तो जब ये खाली हो जाता है तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो है उसमें से कम हो जाता है और काफ़ी दिनों तक वो कम रहता है। हर एक्स डिविडेंड अब माँ सिवाय इसके कि किसी के अंदर कोई बड़ी खबर हो, जैसे एक ज़माने में WGL और ये जो गनी के ग्रुप ऑफ कंपनीज था, उसमें ऐसा मैंने देखा था अभी रिसेंटली कि वो एक्स हुआ और जिस दिन वो नीचे खुला वहीं से ऊपर कैप लगाने शुरू कर दिए थे। मुझे याद नहीं है वो WGL था या GGGL था, बहरहाल गनी कंपनी थी। तो ये रेयरली होता है, वरना 90% ऐसा होता है कि जब एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस होता है तो वो खाली हो जाता है स्टॉक, स्टॉक अपने पास से सब कुछ दे के बैठा होता है। तो जब सब कुछ दे के बैठा होता है तो कुछ दिन के लिए वो नज़रों से ओझल हो जाता है या अहमियत से बाहर हो जाता है। तो वही कुछ PSO में हो रहा है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो सिर्फ चढ़ते स्टॉक्स को या जो जिनमें तेज़ी हो रही हो या जिनमें वॉल्यूम आ रहा हो उन स्टॉक को देखते हैं, वो लोग तो ऐसे स्टॉक्स को भूल जाते हैं। मगर जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, वो ऐसे स्टॉक पे बहुत नज़र रखते हैं कि यार इसने डिविडेंड दिया है कम, अर्निंग आई है ज़्यादा, तो इसका वेटेज तो ज़्यादा हो गया है और ये अभी नीचे जा रहा है क्योंकि अर्निंग कम आई है, तो लोग इसको नाराज़गी में बेचे जा रहे हैं, तो वो बंदा इसको जमा कर रहा होता है। तो वो जमा करने के लिए बेहतरीन टाइम होता है, वॉल्यूम कम होता है थोड़ा थोड़ा करके, और जिस तरह गिर रहा है उसको गिरने दिया जाए, उसके पीछा करते हुए उसको थोड़ा थोड़ा करके जमा किया जाए। और आप जब जमा और जो जमा कर लेंगे और उसके बाद जब वो ऊपर चढ़ेगा तो 5-7% ऊपर चढ़ जाएगा, उसके बाद लोगों को पता लगेगा ओहो इसके अंदर भी वॉल्यूम आ रहा है, अब वो चढ़ना शुरू होंगे। जब वो चढ़ना शुरू होंगे तो आपको बेच, उस दौरान आपको बेच देना चाहिए। अच्छा जनाब, मैरी के बाद सलीम मलिक साहब का, ये यकीनन क्रिकेटर तो नहीं हो सकते सलीम मलिक साहब, तो PB क्या है ये PIBTL के बारे में पूछ रहे हैं। यार PIBTL बहुत दिन से मैंने कवर नहीं किया क्योंकि इसके अंदर कुछ फंडामेंटली कुछ वीकनेसेस थीं, तो हमने इसको अवॉइड किया था पिछले दिनों, तो बहुत अरसे से इसको मैंने नहीं किया, मगर अब आपकी रिक्वेस्ट पे मैं उसके चार्ट पे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो जनाब PIBTL बहुत बुरी जगह पे ट्रेड कर रहा है। PIBTL पे सिर्फ वो आदमी घुसने की कोशिश करे जिसमें ये हिम्मत हो कि वो जमा करके रख सकता है। अगर आप में ये हिम्मत है कि आप इसको जमा करके रख सकते तो फिर आप बेशक इसको यहाँ से लेके 3 रुपए तक जमा करें, जहन में बिठा लें कि ये 3 रुपए तक भी बाय करूँगा, थोड़ा 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 थोड़ा, हज़ार हज़ार, 500-500 करके। मगर किसी भी कॉल को देखने के लिए फंडामेंटल्स को देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो एक एग्रीमेंट था, पता नहीं PNSC के साथ या पोर्ट एंड शिपिंग के साथ, उसमें कोई लोचा था, कोई मसला था, तो जिसकी वजह से कुछ फंडामेंटल वीकनेस थी, तो वो उस पर मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है,
उसको ज़रूर चेक कीजिएगा सब में पहले, उसके बाद फिर फैसला कीजिएगा। अच्छा जी, मलिक सुल्तान साहब कहते हैं पेल का फ्यूचर बता दें प्लीज़। पाक इलेक्ट्रॉन, पाक इलेक्ट्रॉन हमारी लिस्ट में होता है आमतौर पर, मगर इसको हम कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं समझते। हम इसको अपने डेली स्टॉक में जब ये चल रहा होता है ना उस वक्त हम इसकी कॉल देते हैं, वरना हम इसको साइड पे रखते हैं, या फिर हम कोई एक्सट्रीम लोज जब ये टेस्ट करता है तब हम स्विंग ट्रेड की कॉल देते हैं। तो इस वक्त पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है, मगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा। तो इसमें रिस्की एंट्री बनती है स्टॉप लॉस 16.15 रुपये के साथ, मतलब 16.15 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसको बाय कर लें, आपको छोटी मोटी मूव दे देगा। कोई बड़ी मूव इसमें नज़र नहीं आ रही मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 16.70-75 तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आप देखना चाहो तो 16.90-95 बस, ये मैं इसमें देख रहा हूँ 16.90-95 तक कल ही आपको दिखा सकता है। और जब आप स्टॉप लॉस लें ना 16.15 के नीचे, तो जब वो ऊपर चला जाए तकरीबन 16.70-75 के ऊपर, तो आप 16.50 के नीचे स्टॉप लॉस लाइएगा, उसके बाद फिर 16.75 के नीचे, ये जो लेवल्स बता रहा हूँ इस तरीके से ट्रेल कीजिएगा, कल आपकी इसमें अच्छी ट्रेड बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, उसके बाद पेल फ्यूचर वेव्स के बारे में बता दें। अच्छा जी, वेव्स और पेल, यार वेव्स आज मुझे नहीं पता उसने क्या किया है, मगर और इत्तेफाक से मैंने कुछ दिन से इस पे काम नहीं किया, वैसे हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं और पिछले दिनों से काफ़ी डिप्रेस था तो हम ट्रेड नहीं कर रहे। तो जनाब अभी तो ये काफ़ी डिप्रेस लगता है, मगर जब आपने पेल थोड़ा आज चला है तो यकीनन वेव्स भी चला होगा, क्योंकि ये पेल और वेव्स साथ साथ ही चल रहे होते हैं। मेरे ख़्याल में वेव्स को यहाँ से लेकर 11.30 रुपये तक जमा किया जा सकता है, मौजूदा रेट से लेकर 11.30 रुपये तक, और फिर 11.25 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख लिया जाए, तो ये एक डेयरिंग एंट्री है। वैसे इसका उमूमी जो इसका जो ट्रेंड है वो मंदी का है, मगर एक उम्मीद है कि 11.25 रुपये से ये शायद बाउंस कर जाए, ठीक है जी। तो ये तो हो गया ट्रीट, अब हम चलते, सॉरी ट्रीट कह रहा हूँ वेव्स, उसके बाद ज़फ़र इकबाल साहब ने कुछ सियासी कमेंट किया है, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल भी हमारे बहुत पुराने मेंबर है, इनको मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अपनी कमेंट्स का। जनाब कॉरपोरेट अनाउंसमेंट पे थोड़ी देर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज जो अनाउंसमेंट्स हैं, मैरिट पैकेजिंग लिमिटेड इसका फाइनल ईयर रिजल्ट आया है और 1.13 रुपये माइनस में इसका अर्निंग है। 13 अक्टूबर इसकी बुक क्लोजर है, उसके बाद अलाइड मुदारबा है, उसका भी फाइनल ईयर रिजल्ट आया है और अर्निंग उसकी 1.75 रुपये है, 21 अक्टूबर क्लोज बुक क्लोजर है। डाइनिया पाकिस्तान जो है उसका भी फाइनल ईयर रिजल्ट आया और 150% डिविडेंड दिया है, 32.93 इसकी अर्निंग पर शेयर, अच्छी अर्निंग है। उसके बाद अगली स्लाइड में आप देखेंगे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, मेरे ख़्याल में इसका भी रिज़ल्ट, मेरे ख़्याल में मैं कंपेयर तो अभी नहीं कर पाऊँगा, अनकंसोलिडेटेड जो है 6.59 है और कंसोलिडेटेड 42.75 पैसा अर्निंग इसकी आई है, इसने 50% डिविडेंड दिया है। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आज हमारे एक मेंबर के रिक्वेस्ट पे हम ये रिज़ल्ट दे रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा
कि ये पहले से ये काम हुआ हुआ हो ताकि इस पर बात भी की जा सके। डीजी खान जो है इसका भी ईयर रिजल्ट आया है, फाइनल ईयर 10% डिविडेंड दिया है। ईपीएस इसका 6.78 रुपये है अनकंसोलिडेटेड, और कंसोलिडेटेड 7.21 रुपये है। तो डीजी खान ने थोड़ा सा मायूस किया है मेरे हिसाब से। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।